मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इनका खून रायगा नहीं जाएगा। लहू जो सरहद पे बह रहा है, हम इस लहू का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। भारत के खिलाफ जहर उगलते पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के रक्षा दिवस के मौके पर पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों की शहादत का बदला लेने की बात कही थी। आतंकवादियों का पनाहगार पाकिस्तान भारत से हमेशा आमने सामने के युद्ध में हारा है, इसलिए तो सीमा पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आता। बीती शाम उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तानी सेना ने रविवार शाम को सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की और मोर्टार दागे, जिसका भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का मकसद हमेशा की तरह घुसपैठियों को भारत की सीमा में घुसाने की होती है, इस बार भी वही हुआ। इससे पहले ही भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अपने साझा अभियान में कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में ही 3 आतंकियों को धर दबोचा। सुरक्षा बलों ने इनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। तीनों आतंकी कश्मीर के बांदीपोरा के रहने वाले हैं। तीनों आतंकियों की पहचान वकील अहमद डार, सज्जाद अहमद ख्वाजा और मोहम्मद शफी भट्ट के तौर पर हुई है। इन्हें सीमा पार से घुसपैठ के तुरंत बाद ही पकड़ लिया गया। पाकिस्तान पर सीज फायर की आड़ में आतंकियों को भारत की सीमा में घुसाने का आरोप हमेशा लगता रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बयान के ठीक बाद सीमा पर सीज फायर उल्लंघन होना पाकिस्तान के मंसूबों को साफ दिखाता है। 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जो दर्द दिया, उसे पाकिस्तान अब तक नहीं भूल पाया है। इसीलिए तो बार बार सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर वो अपनी नापाक हरकत को बयां करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोज और शेयर कीजिए।